GERD और एसिड रिफ्लक्स के काफी सारे मरीज इसीलिए सालों से इस तकलीफ को झेल रहे होते हैं क्योंकि कई बार सही जानकारी, सही मार्गदर्शन नहीं होता है। ज्यादातर मरीजों में सही और पूरी जांच नहीं हुई होती है, सही निदान नहीं हुआ होता है और इसकी वजह से उनका इलाज का डायरेक्शन गलत होता है। काफी सारे मरीजों में ये पूरी जांच ही नहीं हुई होती है कि क्या सच में एसिड रिफ्लक्स है या नहीं। अगर GERD है तो कितना सीवियर है, क्या दवाइयों से ही उनका परमानेंट सॉल्यूशन आ पाएगा या नहीं, क्या GERD और एसिड रिफ्लक्स के ऑपरेशन की जरूरत है, क्या उनको GERD के साथ में डाइजेशन और आंतों के संबंधित अलग और दूसरी समस्या जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या IBS है या नहीं, क्या एंग्जाइटी और स्ट्रेस उनके GERD और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। ये सारी बातें खूब महत्वपूर्ण हैं आपके इलाज की प्लानिंग के लिए और इसके बिना इलाज का सक्सेस रेट कम हो जाता है। और काफी सारे मरीजों में GERD के ऑपरेशन की जरूरत होने के बावजूद ऑपरेशन का निर्णय नहीं लिया गया होता है क्योंकि गलत समझ होती है, गलत इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है कि इस प्रकार के ऑपरेशन के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं या इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद GERD और एसिड रिफ्लक्स कुछ ही सालों में फिर से हो जाता है। तो सच में ये जो जानकारी है वो सही नहीं है। सच बात ये है कि अगर मरीज का सही से जांच होता है, ये कंफर्म होता है कि GERD और एसिड रिफ्लक्स है और काफ़ी सीवियर है और अगर सही तरीके से ऐसी जगह पे ऑपरेशन किया जाता है जहाँ पे इस प्रकार के ऑपरेशन रूटीनली होते हैं, एक हाई वॉल्यूम सेंटर होता है, तो इस प्रकार के ऑपरेशन के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए GERD की बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ भी बंद हो जाती है, खान पान सुधरता है, नींद सुधरती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और मरीज का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरता है। साइंटिफिक स्टडीज भी ये कहती है कि जब सही जांच के बाद सही तरीके से इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स यानी कि 10, 15, 20 साल के रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है और सिर्फ दवाइयों के मुकाबले में ऑपरेशन के बाद मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरता है, एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ बंद होती है और ओवरऑल जो आउटकम है वो सिर्फ दवाइयों के मुकाबले में काफी पॉजिटिव होता है। इस प्रकार की बीमारियों को रूटीनली इलाज करते हुए, इस प्रकार के ऑपरेशन रूटीनली करते हुए और इस बीमारी के एक्सपर्ट होते हुए मैं ये बहुत निश्चित रूप से मानता हूँ कि ऐसे सारे मरीज जिनको सालों से एसिड रिफ्लक्स है और अन्य डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं हैं, जो कि नॉर्मल की तरह खाना पीना नहीं ले पाते हैं, एसिड रिफ्लक्स और डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से उनकी नींद प्रभावित होती है, नॉर्मल की तरह कामकाज नहीं कर पाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, उन सारे मरीजों में सही जांच, सही निदान और सही प्रकार के इलाज से वो वापस से नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं, नॉर्मल की तरह खाना पीना ले सकते हैं, उनकी नींद सुधरती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और एक आम नॉर्मल इंसान की तरह बिना दवाइयों के वो एक जीवन जी सकते हैं। और अगर इस सब में GERD और एसिड रिफ्लक्स का ऑपरेशन यानी कि लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन कोई ज़्यादा जोखिम वाला ऑपरेशन नहीं है और सही तरीके से सही जांच के बाद ऐसी जगह पे ये ऑपरेशन किया जाता है जहाँ पे इस प्रकार के ऑपरेशन रूटीनली होते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं।